हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सिंह राजपुरोहित, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी सिरोही। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की यूनिट 3 इंफॉर्मेशन थ्योरी पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका फर्स्ट पार्ट में हमने जो 3 टॉपिक थे इसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, एवरेज इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया था। इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग जो टॉपिक है, इन्फॉर्मेशन रेट, चैनल कैपेसिटी एंड शैनन हार्टले थ्योरम, ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रेट। इन्फॉर्मेशन रेट आर इज रिप्रेजेंटेड इन एवरेज नंबर ऑफ बीट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर सेकेंड। इन्फॉर्मेशन रेट क्या होती है कि नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, हम सिंपल भाषा में कहें तो इन्फॉर्मेशन रेट क्या होती है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, एवरेज नंबर ऑफ बीट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर सेकेंड आपकी इन्फॉर्मेशन रेट कहलाती है। इन्फॉर्मेशन रेट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर डॉट एच। तो इन्फॉर्मेशन रेट का जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल आर डॉट एच। यहाँ आर, कैपिटल आर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रेट होती है। एच जो है इसमें एंट्रोपी, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर इसका जो पार्ट 1 था इसमें हमने पढ़ा था एंट्रोपी क्या होती है, वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एच से। एच इज ए एंट्रोपी एंड एवरेज इन्फॉर्मेशन। और जो स्मॉल आर है वो है, आर इज द रेट एट विच मैसेज आर जनरेटेड, कि किस रेट से मैसेज जनरेट हो रहे हैं सोर्स से, वो उसकी स्पीड कौन डिसाइड करता है, वो आर। ठीक है, तो जिस सोर्स जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सोर्स होता है जिससे इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, उस सोर्स की इन्फॉर्मेशन जनरेट करने की रेट क्या है, वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होती है। कैपिटल एच जो है वो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी को हम एवरेज इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें आर इंटू एच, वो आपकी इन्फॉर्मेशन रेट कहलाती है, नंबर ऑफ बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। तो इन्फॉर्मेशन रेट का जो फॉर्मूला है, अगर इसका जो इसकी यूनिट क्या होगी इन्फॉर्मेशन रेट की, इन्फॉर्मेशन रेट की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या, इन्फॉर्मेशन रेट आर इज इक्वल टू क्या, आर स्मॉल आर डॉट एच। एच ये एंट्रोपी, ये जिस रेट से इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है बीट पर सिंबल। तो ये जो है आर की जो यूनिट होती है वो है सिंबल पर सेकेंड, ठीक है। और एच एंट्रोपी की, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था एंट्रोपी की यूनिट क्या है, बीट पर सिंबल, ठीक है। तो जब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा आर डॉट एच, तो इसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन रेट की यूनिट क्या आ जाएगी, सिंबल से सिंबल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, बीट पर सेकेंड। तो जो इन्फॉर्मेशन रेट जो होती है कैपिटल आर, उसकी यूनिट क्या होती है, बीट पर सेकेंड। एंट्रोपी जो होती है उसकी होती है बीट पर सिंबल। और जो जिस सोर्स से, जिस रेट से इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है उसको बोलते हैं सिंबल पर सेकेंड। इस प्रकार से हम इस इन्फॉर्मेशन रेट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। देख, सिंबल से सिंबल कैंसिल आउट हो जाता है, बच्चा बीट पर सेकेंड ही इसमें बचता है। तो इन्फॉर्मेशन रेट, आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज इन्फॉर्मेशन रेट, तो इन्फॉर्मेशन रेट रिप्रेजेंटेड इन एवरेज नंबर ऑफ बीट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर सेकेंड। अब इस पर एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं और एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल है ए पी सी एम पल्स कोड मॉडुलेशन सोर्स ट्रांसमिट 4 सैंपल, 4 सैंपल वो ट्रांसमिट करता है एट अ रेट ऑफ 2 सैंपल्स पर सेकेंड। तो पी सी एम जो सोर्स है वो क्या करता है, 2 सैंपल पर सेकेंड की रेट से क्या करता है, सैंपल जनरेट करता है, 4 सैंपल, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज 4 सैंपल्स, सभी 4 सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी है, P1 और P4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, और P2 और P3 की प्रोबेबिलिटी है 3/8, ठीक है। तो हमारे पास 4 सैंपल जो है जनरेट कर रहा है कौन, PCM सोर्स, ठीक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी इसमें लिखी है, P1, P2, P3 और P4, सबकी प्रोबेबिलिटी इसमें क्वेश्चन में गिवन है, ये P1 और P4 के बराबर है 1/8, और P2 और P3 की है 3/8। और किस रेट से इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, 2 सैंपल पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था ना, स्मॉल आर क्या होता है, सोर्स से इन्फॉर्मेशन जो जनरेट होती है उसकी स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो सोर्स 2 सैंपल पर सेकेंड की स्पीड से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है।
अब इसमें चार सैंपल लिए, P1, P2, P3, सबकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इतनी है, तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन रेट ऑफ द सोर्स। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन जो रेट क्या है इस सोर्स PCM सोर्स की, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्फॉर्मेशन रेट कैपिटल R। तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है, R डॉट H। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल R, स्मॉल R आपको पता है स्मॉल R क्या है, यहाँ पे दो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, टू सैंपल पर सेकेंड। ये H जो है एंट्रोपी, ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। R तो स्मॉल R तो गिवन है, कैपिटल H हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल H जो एंट्रोपी, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, तो जैसे कि हमारे पास ये चारों सोर्स सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी वो गिवन है, P1, P4 1/8 है और P2 और P3 की कितनी है, 3/8 है, चार सभी की प्रोबेबिलिटी इसमें लिखी गई है। तो आपको पता है एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी एच का फॉर्मूला होता है समीशन I इज इक्वल टू 0 to n PE, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लॉग ऑफ 1/PE। ठीक है, तो ये है एंट्रोपी फाइंड आउट, एंट्रोपी यानी एवरेज इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास कितने सैंपल है, n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के लिए, चार। ठीक है, तो हम चार इसको पूरा फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, तो क्या होगा, h इज इक्वल टू P1 log 2 1/P1 हो जाएगा, फिर सेकंड होगा P2 log 2 1/P2 प्लस थर्ड P3 log 2 1/P3 प्लस P4 log 2 1/P4। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों सैंपल के लिए इस एंट्रोपी के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया। अब हम हमारे क्वेश्चन में गिवन है P1 P2 P3 और P4 की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी सबकी गिवन है। P1 और P4 की कितनी है, क्वेश्चन में लिख रखा था P1 P4 के लिए है 1/8 और 2 और 3 की है 3/8। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जहाँ P1 है वहाँ 1/8 लिखेंगे, P4 में भी 1/8, P2 और P3 में 3/8 लिखेंगे। यहाँ जो 1/P1 है उसमें भी 1/8 का उल्टा हो जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ 8/3 हो जाएगा, या 8/3 हो, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ इनकी वैल्यू रखनी है हमें P1 P2 P3 P4 इस फॉर्मूले में। जब इन सभी की वैल्यू हम इसमें प्रोबेबिलिटी इसमें पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, आप इसको फाइंड आउट करके देख लेना सॉल्व करके, इसका आंसर आएगा एंट्रोपी आएगी 1.8 बीट्स पर सिंबल। तो इसकी एंट्रोपी कितनी आई, 1.8 बीट्स पर सिंबल। अब हमें निकालनी है इन्फॉर्मेशन रेट, इन्फॉर्मेशन रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल R डॉट H। तो स्मॉल R हमारे क्वेश्चन में गिवन है 2 बीट पर सिंबल, और ये H हमारा फाइंड आउट हो गया 1.8। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, R और H, मतलब 2 और 1.8 को मल्टीप्लाई किया, 2 × 1.8 कितना हो जाएगा, 3.6 बीट पर सेकेंड। ये आपकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन रेट हो जाएगी। इस तरह से हमने अगर चार हमारा सैंपल दे रखे हैं, सभी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हम पहले इसमें एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे, एंट्रोपी फाइंड आउट करने के बाद हम इसकी इन्फॉर्मेशन रेट, इसकी 3.6 बीट पर सेकेंड ये फाइंड आउट हो जाएगी। अगला टॉपिक है चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी क्या डिस्क्राइब करती है, क्या बताती है, हाउ फास्ट कैन वी ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल, मतलब हम किसी कम्युनिकेशन चैनल पे इन्फॉर्मेशन को कितना फास्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो आपकी कौन डिसाइड करता है, चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी इज द रेट एट विच इन्फॉर्मेशन कैन बी रिलायबली ट्रांसमिटेड ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। इसमें देखो, इसमें रिलायबली का अर्थ क्या होगा, रिलायबली का अर्थ है लेस एरर, मतलब वेनिसिंग एरर प्रोबेबिलिटी, मीन टू से कि इसमें ऐसा ट्रांसमिशन, इन्फॉर्मेशन का ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें एरर कम हो या इसमें लॉस कम हो, तो हमारा हम ये कहेंगे फेथफुली ट्रांसमिट हुआ है हमारा इन्फॉर्मेशन ना। तो चैनल कैपेसिटी इज द रेट एट विच इन्फॉर्मेशन कैन बी रिलायबली, जो इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाहते हैं वो एज इट इज रिसीवर को पहुंच जाए ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल, वो आपकी चैनल कैपेसिटी कहलाती है। और जितना चैनल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतनी फास्ट आपकी इन्फॉर्मेशन उस कम्युनिकेशन चैनल से पास होती है। तो चैनल कैपेसिटी अगर किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में ज़्यादा है, तो उसकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन रेट भी ज़्यादा होगी और उसमें ट्रांसमिट करने की जो रेट है वो भी हाई होती है। तो कैपेसिटी क्या होती है, द हाईएस्ट डेटा रेट कैन बी डिलीवर्ड रिलायबली ओवर ए चैनल, वो आपकी कैपेसिटी कहलाती है। तो चैनल कैपेसिटी क्या होगी, जो चैनल पे कम्युनिकेशन चैनल पे हाईएस्ट
कितना आप डेटा रेट होगा डिलीवर हो सकता है वो आपको चैनल कैपेसिटी कहलाती है। अब चैनल कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये साइंटिस्ट से सैनन हार्टले दोनों ने एक थ्योरम दी थी कि हम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की चैनल कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने कि सैनन हार्टले टेल्स द मैक्सिमम रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल ऑफ स्पेसिफाइड बैंडविड्थ इन ए प्रेजेंस ऑफ नॉइज। इसमें क्या है, सैनन हार्टले थ्योरम क्या कहती है कि किसी स्पेसिफाइड बैंडविड्थ वाला जो कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें कुछ ना कुछ नॉइज तो होती है, किसी जैसे एक ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में कोई जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है बीच में, ये चैनल कहलाता है। चैनल क्या कहलाता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो ये मीडियम है वो आपका चैनल कहलाता है। उस चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ किसी प्रकार की कोई ना कोई नॉइज इसमें मिक्स हो जाती है। तो सैनन हार्टले थ्योरम में क्या होता है कि स्पेसिफाइड बैंडविड्थ में किसी चैनल की स्पेसिफाइड बैंडविड्थ है जिसमें कि नॉइज प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ किसी प्रकार की कोई नॉइज होगी, उसकी जो उस चैनल में कितनी मैक्सिमम रेट से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सैनन हार्टले थ्योरम के द्वारा। तो सैनन हार्टले थ्योरम ने एक फॉर्मूला है चैनल कैपेसिटी फाइंड आउट करने का, सी वो क्या है, सी इज इक्वल टू क्या है, बी लॉग ऑफ टू लॉग बेस टू ब्रैकेट वन बाई एस बाई एन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको सैनन हार्टले फॉर्मूला भी हम कहते हैं, सैनन हार्टले फॉर्मूला। ये सैनन हार्टले थ्योरम क्या स्पेसिफाई करती है, चैनल कैपेसिटी को, किसी कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो हम सैनन हार्टले थ्योरम के थ्रू इसके फॉर्मूले के माध्यम से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या है, सी का मतलब क्या है, सी मीन्स क्या है, चैनल कैपेसिटी बीट पर सेकेंड। बी जो है यहाँ पर बैंडविड्थ है, किसी भी चैनल की जो बैंडविड्थ होती है हर्ट्ज में लो, तो ये क्या होगी, इसकी बैंडविड्थ है किसी कम्युनिकेशन चैनल की। और जो S बाई एन है, S बाई एन क्या है, यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशो। ठीक है, तो ये जो सैनन हार्टले थ्योरम है ये दिखाता है कि अगर किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ हमें पता है और हमें सिग्नल टू नॉइज रेशो ये अगर फाइंड पता है उस चैनल का, तो हम उसकी कैपेसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में S बाई एन की वैल्यू गिवन है, न्यूमेरिकल कोई आ जाए तो उसमें S बाई एन की वैल्यू गिवन है और बैंडविड्थ गिवन है और कहा जाए कि इसकी चैनल कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले में B की मान रख देना और S बाई एन का मान रख देना 1/2 ऐसे करके, तो इसको सॉल्व करोगे लॉग ऑफ टू इसको, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो चैनल कैपेसिटी को डिस्क्राइब करती है। तो इस तरह से हम इस वीडियो लेक्चर में हमने इन्फॉर्मेशन रेट, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में तीन टॉपिक कवर किए, इन्फॉर्मेशन रेट क्या होती है, चैनल कैपेसिटी क्या होता है, और थर्ड है सैनन हार्टले। तो एग्ज़ाम में अगर सैनन हार्टले इस थ्योरम पे अगर चैनल कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें क्या होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बी किसी चैनल की बैंडविड्थ गिवन है, जैसे 2 MHz गिवन है, किसी चैनल की बैंडविड्थ गिवन है 2 MHz, और S बाई एन रेशो जो है वो मैं ले लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो किसी न्यूमेरिकल में बैंडविड्थ किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ 2 MHz गिवन है, ठीक है, और सिग्नल टू नॉइज रेशो S बाई एन क्या गिवन है 1/2। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे उस चैनल की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बी और 1/2 ये जो सिग्नल टू नॉइज रेशो का मान है इसमें फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करने पे क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का मान कितना था इसमें 2 MHz, 2 × mega कितना होता है 10^6 Hz, फिर लॉग बेस 2 1/S/N का वैल्यू कितना था 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, ऐसे 2 हो जाएगा इसमें, तो ये क्या बचेगा आपके, तो सी बराबर हो जाएगा 2 MHz मतलब 10^6 लॉग ऑफ लॉग बेस 2 2, और लॉग बेस 2 2 क्या होता है आपका वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, ये 1 हो जाने के बाद C इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 × 10^6। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 2 MHz, ठीक है, 2 MHz या 2 × 10^6 बीट्स पर सेकेंड ना, तो इसकी कैपेसिटी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम में। अगर इन तीनों जैसे तीन पैरामीटर चैनल कैपेसिटी बैंडविड्थ और S बाई एन, तीनों में से कोई 2 अगर गिवन है तो आप थर्ड कोई भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कैपेसिटी गिवन है बैंडविड्थ गिवन है तो S बाई एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और कैपेसिटी और S बाई एन गिवन है तो आप बैंडविड्थ फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीन इस वेरिएबल में से
क्वेश्चन में दो गिवन होंगे और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इस प्रकार से ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार एग्जाम में आती है। सिंपल ये इस फॉर्मूला बेसिस है, इस पर कोई किसी प्रकार का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो सी इज इक्वल टू बी लॉग बेस टू ब्रैकेट वन बाई एस बाई एन, ये आपका साइन ऑन हार्टले थ्योरम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।